प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12। पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी, भाग 2। जैसा कि आपने पहले भाग में, कहानी के पहले भाग में देखा कि सुनीता एक छोटी बच्ची है, वो अपना हर काम में उसे पहिया कुर्सी की मदद लेनी होती है, लेनी पड़ती है, फिर भी वो अपना रोज का काम वो खुद करना पसंद करती है। सुनीता को किसी का दया भावना अच्छा नहीं लगता है, वो खुद को दूसरे बच्चों के समान समझती है। सुनीता को एक दिन खुद ही बाजार अकेले जाना था, अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ के वो जल्दी जल्दी उठी और अपना काम, उसने कपड़ा पहनना, जूते पहनने का काम आदि काम उसने स्वयं अकेले ही किया और वो बाज़ार जाने के लिए तैयार हो गई। तो देखते हैं इस भाग में क्या हुआ। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? एक किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये ले लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? एक किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभालोगी? सुनीता तैयार हो गई जल्दी सा बाजार जाने के लिए और वो नाश्ता के लिए मेज पे आके बैठी। माँ ने मेज पे नाश्ता लगा दिया था। तो सुनीता बोलती है कि माँ, जो अचार की बोतल है वो देना जरा। तो माँ रसोई घर से ये आवाज़ देती हैं, उत्तर देती हैं सुनीता को कि सुनीता, जो अचार की बोतल है वो अलमारी में रखी है, खुद ही ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आती है। फिर नाश्ता करते करते वो माँ से पूछती है, माँ, बाजार से क्या क्या खरीदना है? तो उसकी माँ बोलती है, ये एक किलो चीनी लेकर आना है। पर क्या तुम अकेले वो उठा लोगी? एक किलो चीनी उठाकर ले आ सकती हो? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला लिए और रुपये लिए, अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए
और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। एक बार फिर से रीड करेंगे। सुनीता ने माँ से झोला लिया और रुपये लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। वो थोड़ी उदास हो गई। वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। सुनीता बाजार की ओर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने नाश्ता कर लिया और माँ से पूछा कि बाजार से कुछ लाना है। तो उसकी माँ बोली, 1 किलो चीनी तुम उठा लोगी क्या? तो सुनीता बोलती है, पक्का जरूर हम उठा लेंगे। फिर सुनीता अपनी माँ से थैला लेती है, रुपया लेती है और अपनी व्हील चेयर पर पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर जाने लगती है। सुनीता को सड़क का जिंदगी देखने में मज़ा आता है। सुनीता को बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि तुम लोग छुट्टी वाले दिन हर जगह खेलते रहते हो ना, खेलने में मज़ा आता है छुट्टी के दिन, उसी तरह उसको भी बहुत अच्छा लगता है खेलते हुए बच्चों को देखकर। सुनीता थोड़ी देर रुक जाती है और रुककर वो उन बच्चों को देखने लगती है जो रस्सी कूद रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, तरह तरह का खेल खेल रहे हैं। खेलते हुए बच्चों को देखकर सुनीता थोड़ी उदास हो जाती है। वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसकी माँ उसको वापस लेने के लिए आई थी। वो लड़की और वो सुनीता एक दूसरे को देखने लगती हैं, बार बार देखने लगती हैं। तो बच्चों, कहानी के इस दूसरे भाग में बस इतना ही। आगे की कहानी हम शेष भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।